हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार मेरे अपने चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साथियों, आज 2 अप्रैल 2020 वार थर्सडे के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके। किस राज्य की पुलिस ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान राज्य में व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को जरूरी परिस्थितियों में बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए एक मोबाइल ऐप राज कॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने के लिए ऐप पर परमिट देना शुरू कर दिया है। यह जो ऐप है राज कॉप सिटीजन्स ऐप, लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के मामले में कानून का पालन करने वाले नागरिकों को उनके घर से बाहर जाने में मदद करेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने कोरोनटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे ने, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की ने, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर ने। तो साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात की जाए कि आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने कोरोनटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की। सरकार ने पूर्णबंदी यानी कि लॉकडाउन की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए 11 समूह गठित किए हैं। इन समूहों में से चिकित्सा आपात और प्रबंध योजना पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए अतानु चक्रवर्ती, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर वी पाल, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। साथियों, सरकार ने 11 समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया है। प्रत्येक जो ग्रुप है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होगा। तो इसका जो है, इस समूह में जो चिकित्सा आपात और प्रबंधन योजना पर अधिकार जो प्राप्त समूह है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर वी पाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर वी पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, 1 अप्रैल 2020 को किसने घोषणा की है कि भारत में लागू 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की योजना नहीं है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन बी नीति आयोग ने, ऑप्शन सी केंद्र सरकार ने, ऑप्शन डी योजना आयोग ने। साथियों, देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए 14 अप्रैल 2020 तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित है, जो कि 25 मार्च को घोषित किया गया था। 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन घोषित किया था। देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पूरे भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है और लगभग 35 लोगों की मौत हो गई है। 1 अप्रैल 2020 को मीटिंग हुई और मीटिंग में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत में 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाने की योजना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, भारत के ओडिशा राज्य में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी 11 अप्रैल को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, ऑप्शन डी 1 मार्च को। साथियों, 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था और स्वतंत्रता के बाद ओडिशा और इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी।
ओडिशा में राज्य स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य ने कोविड 2019 कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन की स्थापना की है? ऑप्शन ए केरल राज्य ने, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी मेघालय ने, ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य ने। साथियों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कोयवई में मोदी किचन की स्थापना की गई है। इस ये जो रसोई जो बनाई गई है, इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है, जो 14 अप्रैल 2020 जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए चालू रहेगी। इस मोदी किचन का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाना है और इसे शहर के मुख्य इलाकों में स्थापित किया गया है। तो जो मोदी किचन स्थापित कहां की गई है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, किस राज्य ने कोविड 2019 संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन डी हरियाणा सरकार ने। साथियों, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन अभियान शुरू किया है, जो कि राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजों पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के तहत लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मुहैया कराई जाएगी और इस एकत्रित जानकारी को गूगल फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा टीम के साथ साझा किया जाएगा। तो कौन सा राज्य है जिसने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन बी ओडिशा सरकार ने, ऑप्शन सी असम सरकार ने, ऑप्शन डी कर्नाटक सरकार ने। साथियों, कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना और कोरोना वायरस को फैलने से पहले ही सावधानी बरतना। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप के अलावा कोविड-19 के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया है और यह टास्क फोर्स उन व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए IT एप्लीकेशन और GPS का उपयोग कर रहा है जिन पर कोरोना वायरस संक्रमण का संदेह है। तो कहां की सरकार ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 4 वर्ष के लिए। साथियों, रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक है एस विश्वनाथन, दूसरे MK जैन, तीसरे माइकल देवव्रत पात्रा और चौथे हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर BP कानूनगो। BP कानूनगो ने अप्रैल 2017 में डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला और उनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और यह कार्यकाल 3 अप्रैल 2020 से लागू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कानूनगो के अंतर्गत आने वाले विभागों में मुद्रा प्रबंधन विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग, सरकार और बैंक खाते के विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग शामिल है। तो जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर RBI के BP कानूनगो, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 1 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, कोविड-2019 का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की घोषणा किसने की है?
ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन बी नीति आयोग ने, ऑप्शन सी केंद्र सरकार ने, ऑप्शन डी योजना आयोग ने। साथियों, कोरोना वायरस का इलाज करने वाले जो लोग हैं, लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस वायरस से स्वास्थ्य बिगड़ने या जान जोखिम का खतरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बीमा योजना की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। साथियों, हमने एक वीडियो डाला है आज, जो कि कोरोना 19 के बारे में है, जिसमें आपको कोरोना वायरस की जानकारी, ये जानकारी है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, कहां से उत्पन्न हुआ, क्या लक्षण होते हैं, क्या बचाव है, और देश में वर्तमान स्थिति 1 अप्रैल 2020 तक या विश्व में 1 अप्रैल 2020 तक क्या स्थिति है, उसकी संपूर्ण जानकारी है। तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो के जो ये वीडियो है, इसके आई जो बटन है, आई क्लिक पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।